भाई कई बार क्या होता है ना कि जो हम लोग सोचते हैं उससे एक अलग ही चीज निकलती है। हमने सोचा था रुबीना दिल लायक और अभिनव शुक्ला की राहुल वैद्य के साथ में कभी नहीं बनेगी, लेकिन सीन जो है वो अब पलटता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वैसे तो भैया राहुल वैद्य ने घर के अंदर वन मैन आर्मी का काम किया है, यानी कि अपने बलबूते पर खेलते हुए नजर आए हैं और अपने बलबूते पर ही उन्होंने 1.7 मिलियन की आर्मी जो है सोशल मीडिया पर फिलहाल खड़ी कर दी है। मैं आर्मी इसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होना, वो भी बिना किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के। राहुल वैद्य की आवाज बहुत अच्छी है, नो डाउट, वो इतने कॉन्सर्ट करते हैं, नो डाउट, लेकिन बिग बॉस के घर में जाने के लिए कहीं ना कहीं एक तगड़ा बेस चाहिए होता है। वो बेस जो था वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन राहुल वैद्य ने बिग बॉस के घर में जाने के बाद अपना वो बेस तगड़ा ही नहीं, तगड़े से भी तगड़ा बना लिया है। खैर, अब यहाँ पर बात करते हैं जिस तरह से अभिनव, राहुल और इनकी बनती नहीं थी, और जैसे ही राहुल वैद्य घर के बाहर आए उन्होंने शायद से एपिसोड्स देखे होंगे, पूरा सिनेरियो जो है वो जज किया होगा, जिससे बात करनी होगी बात की होगी। तो यहाँ पर जो है घर से बेघर होने से पहले ही राहुल वैद्य ने कहा था कि भाई मैं अभिनव शुक्ला से अब झगड़ा नहीं करूंगा, अभिनव शुक्ला जो है एक अच्छे इंसान है और मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे उनके साथ में एक बुरे व्यवहार के साथ में रहना चाहिए। रुबीना की वजह से कई बार वो पिक्चर में आ जाते हैं, यानी कि फाइट वाली पिक्चर में आ जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान है। अब भैया यहाँ पर लगा था कि भैया अब तो बदला बदला होगा, कुछ बिग बॉस के घर में झुम झुम होगी, लेकिन यार मेरे दिल के अरमान तो आंसू में भिगो दिए। खैर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि अभिनव और राहुल वैद्य बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी एजाज खान के बारे में। एजाज खान के बारे में बताया जा रहा है कि आखिरकार एजाज खान जो है वो कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। साथ में ड्रामेबाज होने के साथ साथ वो कितनी चीजों में क्या करते हैं, पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं पकड़ा गया तो पकड़ा गया वाली बात है, लेकिन अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो उसी चीज को पकड़ के आगे तक बढ़ते रहते हैं। खैर, कहीं ना कहीं राहुल वैद्य जो है एजाज खान का गेम प्लान जो है वो समझ सके हैं और इस समझ की वजह से वो अभिनव शुक्ला को भी आगे कर रहे हैं कि किस तरीके से एजाज खान अपना गेम खेल रहे हैं। तो चलिए आप लोग बताइए कि इनकी जो नई शुरुआत हो रही है दोस्ती की, सीन पलटने की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आप चाहते हैं कि राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला एक अच्छे दोस्तों की तरह नजर आए बिग बॉस के घर में? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।